हाय फ्रेंड्स, मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायड, गुजरात इंडिया। और ये मारुति सुजुकी वैगनर है, कंपनी सीएनजी, और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। गाड़ी सीएनजी के अंदर ओके है, पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा पिकअप और आइडलिंग वाइब्रेशन है, तो पिकअप प्रॉब्लम है, सॉरी। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करो। तो गाड़ी का एयर क्लीनर हमने निकाल लिया है फ्रेंड्स, और गाड़ी अभी स्टार्ट है। आप देख सकते हो इंजन कितना हिल रहा है, तो ये वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। और गाड़ी सीएनजी पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ अभी। तो गाड़ी स्टार्ट ही है और पेट्रोल मोड पे है, अभी करते हैं सीएनजी के अंदर। तो आप देख सकते हो गाड़ी सीएनजी मोड में थी, अब सीएनजी के अंदर आ गई है, और अब उसका वाइब्रेशन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है और गाड़ी एकदम परफेक्ट है। तो जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो पेट्रोल के अंदर है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को करते हैं पेट्रोल में डाल के चेकिंग। अभी ये पेट्रोल मोड पे करते हैं, तो आप देख सकते हो वाइब्रेशन फिर से वापस आ चुका है इंजन के अंदर। यहाँ पे माउंट की ओर देखोगे ज़्यादा मालूम होगा आपको, और जो पिकअप होना चाहिए, जो इंजन का स्मूथनेस होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसको पेट्रोल के अंदर चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्टर का एक कपलर निकालते हैं। तो ये इंजेक्टर काम कर रहा है फ्रेंड्स परफेक्ट। गाड़ी का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये भी काम कर रहा है परफेक्ट। तो ये जो फर्स्ट नंबर का है फ्रेंड्स, वो काम नहीं कर रहा है गाड़ी के अंदर इंजेक्टर, क्योंकि अगर प्लग या इग्निशन कोयल के अंदर दिक्कत रहती तो गाड़ी सीएनजी के अंदर परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं करती, क्योंकि सीएनजी के अंदर परफॉर्मेंस परफेक्ट है। तो इसलिए इसको पेट्रोल लाइन के अंदर ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने चेक किया, तो ये दो इंजेक्टर परफेक्ट काम करे, और थर्ड नंबर का काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स इंजेक्टर। तो दूसरा तरीके से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं ये इंजेक्टर भी निकाल देता हूँ। तो एक पिस्टन पे गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स अभी, और ये भी निकाल देता हूँ, और ये नंबर का लगाता हूँ फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट करो। अभी ये दो निकाले हुए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट है। ओके, बंद करो। वो ये तीनों तीन निकालिए, और जो फर्स्ट नंबर का काम नहीं करता है फ्रेंड्स इंजेक्टर, उसका अकेला ही कपलर डालते हैं, और जो दोनों काम करे उसका कपलर निकाला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और गाड़ी को करते अभी स्टार्ट, मारो सेल्फ फ्रेंड्स। लंबा सेल ले रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगाओ सेल्फ, लंबा सेल्फ ले रही, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे ही मैं एक कपलर डालूंगा, बस जैसे ही एक कपलर डालूंगा, और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लगाओ। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का काम कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर का काम नहीं कर रहा है। तो अभी हमने चेक करके आपको दिखाया, क्योंकि गैस के अंदर ओके, यानी कि तीन प्लग और कॉइल ओके है, पेट्रोल के अंदर ही दिक्कत है। तो यानी कि पेट्रोल लाइन के अंदर इंजेक्टर या प्रेशर के लाइन में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये दो काम करें, यानी कि पेट्रोल का प्रेशर कम्प्लीट है, मोटर फ्यूल पंप भी सही है, और वन नंबर का इंजेक्टर में ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसके अंदर करंट चेक करेंगे, और उसके बाद में इंजेक्टर निकाल के उसका इंजेक्टर को चेक करने वाले हैं। गाड़ी बंद कर दो। कार स्टार्ट है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर का इंजेक्टर का कपलर निकाला हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज सही आ रहा है। तो गाड़ी के अंदर फर्स्ट नंबर के इंजेक्टर में करंट तो आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो अभी इंजेक्टर खोल कर देखने वाला है, वो क्लीन करने से होता है या फिर न्यू डालना पड़ता है। ये इंजेक्टर फ्रेंड्स कार में से निकाल लिया है हमने, और इसको अब क्लीन करने के प्रोसेस में हम, तो इसको क्लीन करते हैं, शायद चोकअप होके जाम हो गया होगा तो हो जाएगा, या फिर केसरीज के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है चेंज करने के लिए, बिगड़ जाता है इंजेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कचरा जमा हुआ है, ये फायर नहीं हुआ इंजेक्टर अभी तक। तो इसको क्लीन करते हैं बैटरी से वायर कनेक्ट करके, और केमिकल डाल के क्लीन करते हैं।
फ्रेंड्स इंजेक्टर पे दो तार लगा लिया है हमने इस तरीके का। कपलर रहता है तो कपलर भी लगा सकते हो, और इसके अंदर पाइप के अंदर केमिकल डालेंगे और ऊपर से एयर लगाएंगे, और ये दो तार जाएंगे बैटरी में, और ये भाई क्लिक करेगा यहाँ पे, तो जैसे ही बैटरी पे टर्मिनल दो का वोल्टेज मिलेगा इंजेक्टर को तो इंजेक्टर फायर होगा। ठीक है, तो पहले चॉकअप था हल्का सा, अभी क्लीन किया है हमने केमिकल डाल के, तो ये हो जाएगा। इंजेक्टर क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स, अब देख सकते हो यहाँ पे कितना ख़राब था कचरा, और होल भी जाम थे, वो भी परफेक्ट हो चुका है अभी, और पेट्रोल फायर हो रहा है। अब इसको लगाने के बाद चेक करते हैं गाड़ी पे। इंजेक्टर फ्रेंड्स वन नंबर का हमने क्लीन करके बिठा दिया है, दो परफेक्ट थे, तो और बिठाने के बाद अब गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो बार इग्निशन ऑन ऑफ करना चाहिए तो पेट्रोल की लाइन पूरा प्रेशर बन जाए, और उसके बाद में गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो मारो सेल्फ, तो गाड़ी फ्रेंड स्टार्ट है परफेक्ट, और आप देख सकते हो एकदम इंजन वाइब्रेशन भी नहीं कर रहा है, हल्का सा रेस ऑफ है, वो अपने आप डाउन हो जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से। पहले जो वाइब्रेशन मार रहा इंजन ले रहा था, वाइब्रेशन आरपीएम अप डाउन हो रहे थे, वो भी अब शॉर्ट अप हो चुका है, और एकदम साई साई है। बंद करके सेल्फ लगाओ, फिर से लगा, और पहले फ्रेंड्स ये एक इंजेक्टर पे गाड़ी को स्टार्ट रखते हम, तो हल्का सा वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये काम कर रहा है परफेक्ट, और गाड़ी अब भी स्टार्ट है। पहले जैसे ही दोनों कपला निकाल देते तो गाड़ी बंद हो जा रही थी, लेकिन अभी वाइब्रेशन ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट है, यानी कि ये काम करने लग चुका है अभी, तो ये एकदम परफेक्ट है। दोनों को लगा देते थे, तो तीनों इंजेक्टर परफेक्ट काम कर रहे हैं हमारे फ्रेंड। तो इस गाड़ी के अंदर मेन प्रॉब्लम यही था कि गाड़ी जब भी सीएनजी में चलाते कई बार पेट्रोल सॉल्वेंट हो जाता है, पेट्रोल में कम यूज़ होता है, तो इंजेक्टर कभी पकड़ा जाता है, जाम हो जाते हैं, चौकअप हो जाते हैं, या फिर कई बार शॉर्ट हो जाते हैं तो न्यू भी डालने पड़ते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक इंजेक्टर को क्लीन करने के हो गया है परफेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मोहे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स परफेक्ट, पेट्रोल पे ही अभी, एसी ऑन, तो फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर एसी के अंदर भी पिकअप हो नहीं रहा था, गाड़ी बंद हो जा रही थी एसी के अंदर, और अभी एसी के अंदर भी परफेक्ट है, और गाड़ी दब के चल रही थी वो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम एक इंजेक्टर चॉकअप था, वो क्लीन हो गया है।